आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जीजा ने की घटिया हरकत, पत्नी के बाथरूम जाते ही साली के साथ बनाया शारीरिक संबंध। और फिर जिला न्यायालय के सस्टम एडीजे सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने नाबालिग साली से यौन शोषण करने वाले रविंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 17 सितंबर को होगा। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जज ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। विशेष पॉक्सो पीपी जगत नारायण सिन्हा ने अभियोजन पक्ष से बहस और विचारण के दौरान कुल 6 गवाहों का परीक्षण किया था। एफआईआर के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता की बड़ी बहन की शादी अस्थावा थाना के एक गांव निवासी व दिल्ली रेलवे में लोको पायलट की नौकरी कर रहे रविंद्र कुमार से 22 अप्रैल 2016 को हुई थी। शादी के 2 माह बाद 5 जुलाई 2016 को आरोपी अपनी पत्नी व उसकी छोटी बहन को यहां कहकर दिल्ली ले गया था कि लाल किला, कुतुब मीनार तथा ताजमहल बहुत खूबसूरत है, चलो वहां घुमा देंगे। तीनों एक साथ 6 जुलाई की शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचे। बड़ी बहन जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई, इसी दौरान मौका देखकर आरोपी आराम कर रही पीड़िता के पास पहुंचा और उससे प्रेम का इजहार कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिया और इस शर्मनाक हरकत का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो दिखाकर वायरल कर देने की धमकी दी। दिल्ली रहने के दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग साली का शारीरिक शोषण किया, बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। अपने साथ हुए शर्मनाक हरकत के बाद निराश होकर पीड़िता ने जहर खा लिया। उपचार के बाद ठीक हुई तो सारी बातें अपने परिजनों को बता दिया। 10 अप्रैल 2018 को लगभग 2 साल बाद थाना में पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।